धर्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्य सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः श्री राम जय राम जय जय राम 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी कर्पात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो, हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय शिव शिव नारायण 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 कौन सा
43 श्रीमद्भागवत 7:15-43 रागो द्वेषश्च लोभश्च क्या करे रागो द्वेषश्च लोभश्च शोकमोहौ भयं मद मानोऽवमानोऽसूया च माया हिंसा च मत्सर रज प्रमाद क्षुन्नित्रा शत्रुवस्त्वेव मादय रजस्तमः प्रकृतयः सत्त्वप्रकृतयः क्वचित् यावन्नृकाय रथमात्मवशोपकल्पम् दत्ते गरिष्ठचरणार्चनया निशातम् ज्ञानासिमच्युतबलो ददतस्तशत्रु स्वराज्यतुष्टुपशन्त इदं विजह्यात् नो चेत् प्रमत्तमसदिन्द्रियवाजिसूत नित्योत्पथं विषयदस्युषु निक्षिपन्ति ते दस्य वः सहय सूतममुं तमोन्धे संसारकूपौर्मृत्युमये क्षिपन्ति नारायण प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वैदिकम् आवर्तेत प्रवृत्तेन निवृत्तेन श्रुते मृदं नारायण रागो द्वेषश्च लोभश्च शोकमोहौ भयं मद मनोवमानोऽसूया च माया हिंसा च वत्सरः रजःप्रमादक्षुन्निद्रा शत्रुवस्त्वेव मादय अजस्तमः प्रकृतयः सत्त्वप्रकृतयः क्वचित् राग द्वेष लोभ शोक मोह भय मद मान अपमान असूया दूसरों के गुणों में दोष निकालना छल हिंसा दूसरों के उत्कर्ष को देखकर विद्वेष जलन की भावना तृष्णा प्रमाद भूख निद्रा ये सब और ऐसे ही जीवों के और भी बहुत से शत्रु हैं आसुरी संपत्ति इनको कहते हैं उनमें रजोगुण और तमोगुण प्रधान वृत्तियाँ अधिक हैं कहीं कहीं कोई कोई सत्वगुण प्रधान वृत्तियाँ भी होती हैं यह हुआ सत्व प्रकृतयः क्वचित् मलिन सत्व निबंधक है शुद्ध सत्व निबंधक नहीं है यह अभिप्राय पिछले दिनों निरूपण किया गया कि जितने भी मनोविकार हैं द्वैत बुद्धि मूलक हैं रागास्पद कोई दूसरा ही होता है द्वेषास्पद भी कोई दूसरा होता है लोभ का विषय भी कोई दूसरा ही होता है शोक भी दूसरे को लेकर ही द्वैत बुद्धि मूलक ही है मोह भी द्वैत बुद्धि मूलक भी है भय भी द्वैत बुद्धि मूलक है मद मान अपमान सब द्वैत बुद्धि मूलक असूया दूसरों के गुण में दोष निकालना यह भी द्वैत बुद्धि मूलक है छल हिंसा दूसरों के उत्कर्ष को न सह पाने की भावना ये सब के सब द्वैत मूलक ही हैं सत्व प्रकृतयः क्वचित् सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निवदन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम् सत्वगुण निबंधक है जब ऐसा गीता में कहा गया तब समझना चाहिए कि मलिन सत्वगुण निबंधक है
शुद्ध सत्व गुण को ही त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद में निर्गुण कहा गया है। शुद्ध सत्व समता विज्ञान रामचरितमानस। मलिन सत्व निबंधक है। निबंधकता का अर्थ क्या है? आत्म तत्व का यथावत अभिव्यंजन करने के बाद आत्मा में यह विमोह पैदा हो जाए कि ये गुणगण हमको धन्य करने वाले हैं, इस तथ्य की अनुभूति न हो कि मेरी यथावत अभिव्यक्ति ही सत्वगुण के द्वारा हुई है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, आत्मा सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सुखमस्य आत्मनो रूपम, लेकिन सत्वगुण के योग से समत्व की आत्मा सम है तो समत्व की अभिव्यक्ति हो जाती है, आत्मा असंग है तो असंगत्व की अभिव्यक्ति हो जाती है। इस बात पर ध्यान नहीं दे पाता जीव इस तथ्य पर कि मैं सम हूँ, मुझ सम की ही सत्वगुण गुणात्मक अंतःकरण के योग से समत्व नामक गुण के रूप में अभिव्यक्ति हुई है। मैं असंग हूँ, मेरी ही यथावत अभिव्यक्ति शुद्ध सत्व के द्वार से हुई है। तो जैसे कोई व्यक्ति अपने मुखचंद्र का दर्शन दर्पण के माध्यम से कर गए तो उस पर मुग्ध हो जाए, ऐसे बाल लीला में नाचत निज प्रतिबिंब निहारी, इसी प्रकार से सत्वगुण क्या करता है, आत्म तत्व जो ज्ञान स्वरूप है, सम है, सुख रूप है, अभिव्यक्त करके आत्मा में विमोह उत्पन्न कर देता है कि कदाचित ये गुणगण मुझे प्राप्त हों, मुझे असंग आत्मा की ही इन गुणगणों के रूप में यथावत अभिव्यक्ति हुई है। इस तथ्य को जी भूल जाता है, गुण निबंधक हो जाते हैं। अभिप्राय निर्दोषम ही समम ब्रह्म, आत्म तत्व सम और निर्दोष है, लेकिन सत्वात्मक अंतःकरण के योग से उसकी यथावत अभिव्यक्ति होती है, अपने ही अभिव्यक्त स्वरूप में व्यक्ति व्यामोहित हो जाता है, विमोह में अपनी अभिव्यक्ति हेतु बन जाती है। सत्वगुण भी कहीं कहीं निबंधक है। सत्व प्रकृतयः क्वचित, एकादश स्कंद में सत्व के दो विभाग कर दिए गए हैं, एक शुद्ध सत्व एक मलिन सत्व। भगवद गीता के 14वें अध्याय में तत् सत्व निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम सुख संज्ञेन बधनाति ज्ञान संज्ञेन च नघः, कहा भगवान ने। निर्मल है, प्रकाशक है, अनामय है, आत्म तत्व का यथावत अभिव्यंजक है, लेकिन अभिव्यक्त स्वरूप के प्रति आत्म तत्व विमोहित हो जाता है, या नहीं समझ पाता कि मुझे सम असंग आत्मा की ही समत्व असंगत्व के रूप में अभिव्यक्ति हुई है। इस प्रकार साम्या संगादयो गुणा, श्रीमद्भागवत के अनुसार साम्या संगादयो गुणा अगुणा, कहने को गुण तत्वतः अगुण है। यह आत्मा सम है, उसकी यथावत अभिव्यक्ति हो गई तो साम्य गुण हो गया। आत्मा असंग है, असंगो नहीं सज्जते, यथावत अभिव्यक्ति हो गई तो असंगता गुण है। स्वरूप की यथावत अभिव्यक्ति का नाम ही गुण हो जाता है, इसलिए अगुणा का प्रतीति की दृष्टि से गुण है, टटोलने पर ये अगुण सिद्ध हो जाते हैं। स्वरूप की शुद्ध सत्वात्मक अंतःकरण के द्वार से यथावत अभिव्यक्ति का नाम ही गुण हो जाता है, निर्गुण ही गुण के रूप में परिलक्षित होता है। आत्म तत्व ही
स्वरूप वैभव जैसा है वैसा ही अगर सत्वगुण के माध्यम से अभिव्यक्त हो जाए तो उसमें समासक्त हो जाता है अभिप्राय। तमोगुण की प्रगल्भता रजोगुण की प्रगल्भता कभी बलिन सत्वगुण की प्रगल्भता होती है, तीनों से उपरांता हो जाती है तो व्यक्ति गुणातीत होता है, आत्मानुरूप आत्मतत्व को समझने में समर्थ होता है। पिछले दिनों हमने बताया कि जीवन में 24 घंटे होते हैं, कभी सत्वगुण कभी रजोगुण कभी तमोगुण की प्रबलता होती है, कोई न कोई गुण प्रबल होता ही है। सूर्यास्त के बाद में तमोगुण आना प्रारंभ हो जाता है, सूर्योदय के बाद में सत्वगुण ब्रह्म मुहूर्त में सत्वगुण होता है, मध्यान्ह काल में रजोगुण आ जाता है। तो प्रकाशम से प्रवृत्तिम से मोहमेव से पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति साधो आवे जाए स्व माया। चाहे सत्वगुण अपना प्रभाव दिखावे, चाहे रजोगुण चाहे तमोगुण, सबको दृश्य समझना अनात्मा समझना गुण वैभव समझना आवश्यक है। इससे व्यक्ति गुणातीत होता है, स्थितप्रज्ञ कहा जाता है यह अभिप्राय। किसी एक गुण में समासक्त न हो, तीनों गुणों से असंग रहे तो व्यक्ति साक्षी होकर के क्या होता है, अमुग्ध अवस्था को प्राप्त होता है। मुग्धता नामक दोष से विवर्जित उसका जीवन होता है। पिछले दिनों हमने कहा तीनों गुणों में किसी एक गुण में व्यक्ति समासक्त होता है, उस गुण की प्रतीक्षा करता रहता है। सोने में जिसकी रुचि होती है, कब काम काज से छुट्टी मिले और यूँ लुढ़क जाऊँ पवन हंस रहे। रजोगुण में जिसकी प्रीति प्रवृत्ति होती है, कब हाथ पांव चलाने गाली देने गाली खाने मारने पिटाई करने पिटाई खाने का अवसर मिले उसकी प्रतीक्षा करता रहता है। हमने बताया दो तीन दिन पहले कि सुमिरन पूजन था नैमिषारण्य में, बहुत क्रोधी था। हम साधक लोग आपस में मिलकर ही भोजन बनाते थे, हम भोजन करते भी थे, उसको भी अपने चौका से भोजन देते थे। शूद्र वर्ण का था लेकिन झगड़ालू बहुत था। एक दिन मैंने साथ वालों से कहा, जब वो थाली लेकर भोजन लेने आवे, आइए आइए सुमिरन पूजन महाराज जी, कितनी रोटी चाहिए? वो कहे 5 तो 7 दे दो, 8 दे दो। कितनी सब्जी चाहिए? जितनी सब्जी उसे और अधिक दे दो। क्रोध करने का अवसर मत दो, फिर देखेंगे ये क्या करता है। क्रोध करने का अवसर नहीं दिया, जितनी रोटी कही उससे 2-3 रोटी ज़्यादा दे दिए। आइए आइए, हम मैंने सोचा कि अब क्रोध किए बिना तो यह सोएगा नहीं, बेचैन हो जाएगा, करेगा क्या। थाली में जो भोजन दिया गया था कमरे में रख करके कुल्हाड़ी ली, बबूल के पेड़ के पास जाकर एक बार काटे और गाली दे माँ बहन की। हमने सोचा मनुष्यों पर क्रोध करने का इसका अवसर नहीं मिला, तो बबूल के पेड़ को ही काट रहा है, एक बार काटे फिर माँ बहन की गाली दे फिर काटे। ऐसे व्यक्ति जिसको गाली गलौज का अवसर न मिले तो वृक्ष को ही काटने लग जाए, भगवान ही बचा मैं ऐसे व्यक्ति से। इसीलिए कहा किसी में सत्वगुण का प्रभाव होता है, किसी में रजोगुण का, किसी में तमोगुण का। कभी सत्वगुण कभी रजोगुण कभी तमोगुण की प्रगल्भता होती है, लेकिन आगमा पायनो नित्या इस तथ्य को समझने वाला चित्तप्रज्ञ होता है। कोई भी गुण आओ जाओ असंगता तीनों गुणों से रहने पर शुद्ध सत्व से समाविष्ट व्यक्ति का जीवन होता है, वो
भवसिंधु से तरने में समर्थ होता है अभिप्राय। यावन ऋकाय रथमात्मा महात्मा वशोपकल्पम दत्ते गरिष्ठ चरणार्चनया निशातम ज्ञानासि मच्युत बलो दधता दधदस्त शत्रु स्वराज्य तुष्ट प्रशांत इदम विजह्यात। 45वां यावन ऋकाय रथमात्मा वशोपकल्पम बढ़िया रथ काय काय रथ या जो मनुष्य जीवन है शरीर है रथ रूप है जब तक अपने वश में है इसके इंद्रिय मन आदि सारे साधन अच्छी दशा में विद्यमान हैं तभी तक गुरुदेव के चरणों की सेवा आराधना के बल पर तीक्ष्ण ज्ञान शक्ति रूप तलवार के द्वारा भगवान के आश्रय से इन शत्रुओं का नाश करके अपने स्वराज सिंहासन पर विराजमान हो जाना चाहिए। फिर अत्यंत शांत भाव से शरीर का भी परित्याग कर देना चाहिए समय आने पर। गीता 8वें अध्याय के अनुसार योगी को पता चल जाता है कि अब प्रारब्ध क्षीण होने वाला है शरीर पात का अवसर आ गया तो वे भक्ति और योग बल का आलम्बन लेकर आत्मचिंतन की दशा में देहत्याग करने में समर्थ हो जाते हैं। यह इसलिए समय आने पर शरीर तो मिला है एक दिन जाएगा ही शरीर का भी परित्याग कर दे। दो प्रकार का त्याग होता है शरीर रहने पर भी आत्मा को शरीर न समझे देहेंद्रीय प्राणांतःकरण के अनुरूप आत्मान्यता का त्याग कर दे। तुलसीदास ने लिखा अंतहु तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अभीत। जब शरीर सब हो जाता है प्यारे से प्यारे व्यक्ति कहते हैं अब इनको जला दो मिट्टी में गाड़ दो नदी में प्रवाहित कर दो। या अंतहु तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अभीते। मन पछते ये अवसर बीते इसलिए देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में भी राग ना हो अलिप्तता हो ये भी अनात्मा ही हैं। इस प्रकार से आत्म तत्व का विज्ञान प्राप्त करके जीवन काल में ही कृतार्थता अर्जित करनी चाहिए। जो करना था कर लिया पाना था पा लिया जानना था जान लिया। कुछ करना जानना पाना शेष न रहे ऐसा प्रयास करना चाहिए। गीता में तस्य कार्यम न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थं विपाशयः प्राप्तव्यं नावशिष्यते यद् ज्ञात्वा नेभूय भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञातव्य कर्तव्य प्राप्तव्य तीनों न रह जाए न कुछ जानना न कुछ करना न कुछ पाना शेष रहे यह अभिप्राय। ब्रह्म विद्या की यही विशेषता है व्यक्ति अपने जीवन में जो करना था कर लिया पाना था पा लिया जानना था जान लिया इस तथ्य की अनुभूति कर सकता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चाहे सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाशय। ब्रह्मलोक तक से उसका कोई प्रयोजन नहीं। आत्मरति आत्मतृप्ति आत्मसंतुष्टि आत्मरत आत्मतृप्त आत्मसंतुष्ट हो जाए यह अभिप्राय। कल बताया था
कमनीय वस्तु जिसको हम समझते हैं या कमनीय व्यक्ति, उसकी कामना पालते हैं, परिश्रम करने पर दैव योग से कमनीय वस्तु या व्यक्ति की उपलब्धि हो जाने पर हर्षित होते हैं, वियुक्त हो जाने पर दुखी हो जाते हैं। लेकिन पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी जी ने तथ्य को उद्घोषित किया कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति की कामना पालता है, परिश्रम करके प्रारब्ध के योग से उस वस्तु या व्यक्ति की प्राप्ति हो जाती है, तो समझता है कि वस्तु की या व्यक्ति की समुपलब्धि के कारण आनंद प्राप्त हुआ, वस्तु स्थिति या नहीं। अभीष्ट वस्तु और व्यक्ति की उपलब्धि हो जाने पर कामना की निवृत्ति हो जाती है। कामना की निवृत्ति होते चित्त शुद्ध और समाहित हो जाता है, निर्मल निश्चल जल के समान, दर्पण के समान, उसमें आत्म तत्व स्फुट रीति से अभिव्यक्त होता है। वृंदावन में था, ऊपर कमरे में रहता था, वेद विद्यालय में, सामने एक टंकी थी, मातृमंडल। एक बांदरिया आई, टंकी में जल था स्वच्छ, लेकिन टंकी खुले होने के कारण बंदरिया ने नहीं झाँका। उस बंदरिया को या बंदर को अपना प्रतिबिंब निर्मल निश्चल जल में दिखाई पड़ा। उसने समझा कोई प्रतिद्वंद्वी है, यों यों पानी को करके उस पर धावा बोलने का प्रयास किया, जो यों पानी को यों किया, पानी चंचल हो गया, दिखना बंद हो गया। उस बंदर या बंदरिया को हुआ कि मेरे डर के मारे मेरा दुश्मन छिप गया, फिर यों किया, फिर पानी जो स्थिर हो जाए फिर दिखाई पड़े अपना प्रतिबिंब, यों यों किया और झुंड से अलग हो गया था बंदर या बंदरिया। अब गली में जो बंदर या बंदर थे उसकी आवाज़ सुनकर हुआ कि मेरे साथी पर सहभागी पर कोई कठिनाई है, वो सब आपस में इतना उझौझौ करने लगे, 15 मिनट तक किसी यात्री को आने जाने नहीं दिया, विप्लव मचा दिया। तो मैं हंस रहा था देख कर, तो प्रतिद्वंद्वी वहाँ पर कौन था? अपनी जो छाया दिखाई पड़ती थी या अपना जो प्रतिबिंब दिखाई पड़ता था उसी को प्रतिद्वंद्वी समझ लिया, ऐसे है। जब मन निर्मल निश्चल हो जाता है तो सुखरूप आत्म तत्व के स्फुट उस पर अभिव्यक्ति होती है। अजस्र अभिव्यक्ति की दशा में व्यक्ति आनंद निमग्न हो जाता है। लेकिन इस तथ्य को न समझकर फिर किसी न किसी वस्तु या व्यक्ति की कामना पाल करके मन को चंचल कर देता है, फिर प्रारब्ध योग से या प्रयास की प्रगल्भता से उस वस्तु और व्यक्ति को उपलब्धि हो जाने पर कामना की निवृत्ति होती है। इस राशि को जो जान जाता है, किसी भी वस्तु या व्यक्ति की कामना ही नहीं करता, हर समय उसका चित्त शुद्ध और समाहित ही रहता है। हर समय जब चित्त शुद्ध और समाहित रहता है, सुखरूप आत्म तत्व की अजस्र उस पर अभिव्यक्ति होती रहती है, इसलिए वह विषय लंपटता से विहीन होकर आत्मसुख, मैं सुखद स्वरूप हूँ ऐसा है, तो दोनों बात हो गई। आत्म तत्व अनुभव स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अनुभव नहीं है। लेकिन शुद्ध सत्व आत्मक चित्त के माध्यम से जब सुख की अभिव्यक्ति होती है तो सुख रूप भी हो जाता है, सुख का भोक्ता भी हो जाता है। इस रहस्य के ज्ञान से भोक्तित्व औपाधिक है और सुख लंपटता भी नहीं रहती, तो सुख स्वरूप होकर भी सुख का भोग भी उसे प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से एक दिन हमने कहा था, सांख्यों ने आत्मा को सच्चित्व माना, आनंद रूप नहीं माना, सच्चित माना, आनंद स्वरूप क्यों नहीं माना? आनंद स्वरूप इसलिए नहीं माना, अगर आत्मा को आनंद स्वरूप मान लेंगे तो स्वप्रकाश आनंद होने के कारण आनंद भोग्य नहीं होगा,
जब आनंद भोग्य नहीं होगा तो आनंद की लिप्सा बनी ही रहेगी। इसका उत्तर यही है कि फिर तो सत की लिप्सा भी बनी रहेगी, आत्मा को सद्रूप मत मानो, चित्त की लिप्सा भी बनी रहेगी। वस्तु स्थिति क्या है, आत्म तत्व सत चित्त ही नहीं पर प्रेमास्पद होने के कारण परमानंद स्वरूप है। अब प्रश्न उठता है कि अनुभव स्वरूप होकर अनुभव भी कैसे होगा, सुख स्वरूप ही आत्म तत्व है तो सुख भोग्य कैसे होगा। इसका उत्तर यही है कि शुद्ध सत्वात्मक अंतःकरण के योग से आत्म तत्व अभिव्यक्त होकर भोग्य भी हो जाता है, अर्थात अभिव्यक्त आत्मा, अभिव्यक्त जो सुख है वो भोग्य है, अभिव्यंग जो सुख रूप आत्मा है सुख स्वरूप है। इस प्रकार से आत्मा को सुख रूप आनंद स्वरूप समझ कर भी सुख को भोग्य और आनंद को भोग्य बनाया जा सकता है, यह अभिप्राय। और अंदर से भोक्तृत्व का विज्ञान भी नहीं रहता, कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा में उपाधि का कल सिद्ध किया गया। यावन्निकाय रथमात्मवशोपकल्पम् दत्ते गरिष्ठतरुणार्चनयानिशातम् ज्ञानस्य मच्युतबलो ददता ददस्तशत्रुः स्वराज्यतुष्टप्रशान्तमिदं विजहीयात्। बहुत बढ़िया, 45वां है। जब तक स्वस्थ है शरीर, बस में है इंद्रिय मन अंतःकरण को ही मन कहते हैं, सारे साधन अच्छी दशा में विद्यमान हैं, रुग्णता आदि नहीं है, गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा पूजा से शान पर चढ़ाई हुई ज्ञान की तीक्ष्ण तलवार, ज्ञान की तीक्ष्ण तलवार लेकर भगवान के आश्रय से इन शत्रुओं का नाश करके अपने स्वराज सिंहासन पर विराजमान होकर अत्यंत सुस्थिर शांत होकर रहे, समय आने पर योग बल का भक्ति का लंबन लेकर शरीर का भी त्याग कर दे। यह जो स्थूल शरीर है, कल बताया समग्र सूक्ष्म शरीर का भी व्यंजक संस्थान है। मनुष्यों का शरीर, हमारे आपका शरीर विशेष महत्वपूर्ण है। इसके बाह्य भाग में पंच कर्मेंद्रियों को, पंच ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। अभ्यंतर भाग में प्राणों को, अंतःकरण को व्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। समग्र सूक्ष्म शरीर अर्थात करुणात्मक सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के माध्यम से व्यक्त होता है, यह मनुष्य शरीर की विशेषता है। इसलिए हम चाहें तो भगवान का श्रवण भी कर सकते हैं, भव का श्रवण तो करते ही हैं। जहाँ भव का मनन करते हैं वह भगवान का मनन भी कर सकते हैं, जहाँ भव का ध्यान करते हैं वहाँ भगवान का ध्यान भी कर सकते हैं। अगर भव का ही श्रवण मनन निधिध्यासन करते रहे तो भवाटवी में भटकते रहेंगे, भव सिंधु में गोता लगाते रहेंगे। इसलिए समय निकाल कर भगवान का भजन करना चाहिए, श्रवण भी करें, मनन भी करें, निधिध्यासन अर्थात ध्यान भी करें, तब जीवन सार्थक होता है। रति से रति करती है, इधर जब रति उत्पन्न हो जाती है अभ्यासा द्रमते यत्र, तो भाव रस की निवृत्ति हो जाती है। पहले तो अभ्यास हठ पूर्वक मन ना भी लगे फिर भी सत्संग में जाना चाहिए, भजन करना चाहिए। एक व्यक्ति को मैंने पूछा कुछ दिन पहले, दिखाई पड़े पुरी के, कितने महीने बाद मिले हो, 15 महीने बाद। मैंने कुछ कहा नहीं, अब घर में तो रमता होगा, प्रसन्न रहता होगा। यही तो भगवान की माया है, सत्संग का अवसर होने पर भी, मानव जीवन प्राप्त होने पर भी, ब्राह्मण शरीर प्राप्त होने पर भी इधर आने में कठिनाई है। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। लेकिन मैंने कई बार कहा
एक अरब वर्ष बाद सही। यह एक ऐसी घाटी है, इसको पार करने पर ही तो मोक्ष मिलेगा ना, क्या इस घाटी का सेवन करना पड़ेगा, यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा। आज न सही, एक अरब वर्ष बाद सही। यह ज्ञान विज्ञान ऐसा है, इसको प्राप्त किए बिना भवरस की निवृत्ति नहीं हो सकती, भगवत भक्ति नहीं हो सकती, भवसिंह से पार नहीं हो सकते। इस समय जो अवसर मिला है उसको छोड़ देना। अब 24 घंटे में एक घंटे भी सत्संग भजन के लिए न निकाल पाना दुर्भाग्य की पराकाष्ठा है ना। बहुत बढ़िया, इसलिए हमने चार विभाग किया है, उपास के दृष्टि से नहीं, शिक्षा के दृष्टि से। पवन जी, हाँ, चार विभाग है। पहला विभाग क्या है? लूटो पीटो मौज करो। ज़्यादातर व्यक्ति ऐसे ही होते, कितना लूटो पीटो मौज करो तमोगुणी, उससे कुछ ऊपर हुए तो खाओ पियो मौज करो, उससे कुछ और ऊपर हुए तो जिए और जीने दो, उससे और कुछ ऊपर हुए तो अपना जीवन अपने और सबके हित में प्रयुक्त विनियुक्त करो। भगवत भजन के द्वारा जीवन को सार्थक करो। या इसलिए लूटो पीटो मौज करो, खाओ पियो मौज करो, इस मान्यता से ऊपर होकर जिए और जीने दो। इस मान्यता को पाले फिर जिए और जीने तो तक सीमित न रहे, अपना जीवन अपने और सबके हित में प्रयुक्त विनियुक्त करे। किसी की सेवा नहीं होती। आजकल मैं विचार करता हूँ, मुझे खूब सेवा मिलती है, साथ वाले पूरा ध्यान रखते हैं, शुक्ल जी हैं, पवन जी हैं, सब स्वामी जी हैं, सब लगाए रखते हैं, सब आस्थापूर्वक सेवा करते हैं। तो अब मैं सोचता हूँ, मैंने जो संतों की सेवा की वो संतों की सेवा थी, अपनी सेवा थी क्या? अपनी सेवा थी ना, संतों की सेवा की, प्राणों को हथेली पर लेकर भी संतों की सेवा की, वो सेवा हमको स्वयं मिल रही है। तो अब मैं सोचता हूँ, मैंने संतों की सेवा क्या की? संतों की सेवा के व्यास से अपनी ही तो सेवा की ना, इसलिए कोई दूसरे पर क्या उपकार करेगा? दूसरे की सेवा करेगा, उपकार करेगा दूसरे का, लौट करके वो सेवा स्वयं ही प्राप्त हो जाएगी। उपकार किए हुए व्यक्ति जो उपकार करने वाला है उसको 2500 व्यक्ति उसको उपकार करने में जुट जाते हैं। या इसलिए कबीर दास ने क्या लिखा, क्या कहा? जब मुझे लाला का जन्म हुआ, मैं तो रोता हुआ जन्मा, परिवार के व्यक्ति हंस रहे थे, वाह वाह लाला आ गया। अब ऐसी करनी करके चलो, हम तो हंसते हुए कुछ कर जाएं जगत से, लोग रो में आहा हा, ऐसे महापुरुष कहाँ मिलेंगे। बढ़िया, कबीर दास ने कहा हम हंसें जगरोए, जब हम जन्मे तब रोते हुए घर के लोग खूब हंसे, लाला आ गया घर में, बेटा का जन्म हो गया, हम रोते हुए जन्मे लोग खूब हंसे, अब हम हंसते हुए जाएं, कृतार्थ होकर जाएं, देहत्याग करें, लोग रो में, ऐसे महापुरुष कहाँ मिलेंगे। ऐसे इसलिए आजकल मैं खूब सोचता हूँ, किसी दूसरे की सेवा नहीं होती, अपनी ही सेवा होती है। प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। गति का नियम है, प्रत्येक क्रिया की समान विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। दूसरे की सेवा करने पर व्यक्ति को सेवा समय पर स्वयं प्राप्त होती है। कल बताया था, एक हमारे गुरु भाई थे, दुर्घटनाग्रस्त हो गए, अच्छे थे, जगन्नाथानंद सरस्वती, उन्होंने कहा 22 दिनों तक स्वामी जी मैं बीमार रहा, किसी ने पानी नहीं पूछा। हमने कहा आपने किसी को 2 घूंट पानी दिया है क्या? 2 घूंट पानी किसी को दिया होता तो क्यों नहीं पूछते? आपने किसी को 2 घूंट पानी नहीं दिया, आप 22 दिन तक बीमार रहे, आपको किसी ने पूछा नहीं। किसी को पानी देना का अर्थ क्या? अपने को ही पानी देना।
यह है, किसी को पानी देने का अर्थ है अपने को पानी देना, किसी को भोजन देने का अर्थ है अपने को भोजन देना। गरीब से गरीब व्यक्ति भी कम से कम भोजन के समय एक चावल का दाना निकाल के, रोटी का इतना टुकड़ा निकाल के रख दे, कम से कम 25 चींटियों का पेट भरेगा, यानी मनुष्य न सही 25 चींटियों का पेट भर जाएगा। वो जो चींटियाँ प्रसन्न हो जाएंगी, वो प्रसन्नता लौट करके उस एक दाने चावल या इतनी रोटी के टुकड़ा देने वाले को ही प्राप्त होगी या नहीं। इस प्रकार से इसलिए दूसरे को देना स्वयं को ही देना है, पात्र का ध्यान रखकर। यह कहा शरीर का भी परित्याग कर दे, यह अर्थवार परित्याग कर दे माने आत्महत्या करे या नहीं। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलू न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम हो के दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती, हे कृष्ण हे यादव से सखेती। हमारे परिचित थे, आयु में बड़े थे शील जी, उन्होंने इन पदों की रचना की। संस्कृत में मूल पद हैं, उसी छंद में उन्होंने अनुवाद किया। शील जी प्रोफेसर शील बहुत अच्छे थे, इसलिए कहा स्वराज या स्वराज्य तुष्ट प्रशांति दम विजय, या स्वराज्य सिंहासन, स्वराज्य सिंहासन पर सबसे बढ़िया क्या है, स्वराज्य सिंहासन। आत्मा का जो मौलिक स्वरूप है वही होकर रहना, अनात्म वस्तुओं के अनुरूप मान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति को लाभ करना, स्वराज्य सिंहासन पर आरूढ़। दासी कृता गोप वधु विटेना, मधुसूदन सरस्वती जी ने लिखा, मैं स्वराज्य सिंहासन पर आरूढ़ था, लेकिन छैल सवीरे नटनागर श्री कृष्ण ने मुझे अपने चरणों का दासी बना लिया। या जो जितना शुद्ध अंतःकरण वाला होता है, भगवत भक्ति से समन्वित होता है, उसके जीवन में उसकी आँखों के सामने उतने ही छैल सवीरे नटनागर स्फुट रीति से व्यक्त होते हैं। यह अभिप्राय नोचेत प्रमत्तमसदिन्द्रियवाजी सूत नित्योत्पथम वियदस्युषु निक्षिपन्ति तेदस्य वसहयसूतममुं तमोन्धे संसारकूप उर्मृत्युभये क्षिपन्ति। सूत यह हुआ संबोधन है, सारथी का काम करते हैं, कल बताया। तनिक भी प्रमाद, प्रमादो वही मृत्यु हो, प्रमाद ही मृत्यु है जो प्रमा का दमन कर दे, प्रमाद ही मृत्यु है। मोह का मूल है अज्ञान, अज्ञान का नाम ही है प्रमाद। तनिक भी प्रमत्त हुए इंद्रिय रूप जो दुष्ट अश्व घोरे हैं, उनसे मैत्री भाव रखने वाला बुद्धि रूप सारथी रथ के स्वामी जीव को उल्टे रास्ते ले जाकर पटक देता है, विषय रूपी लुटेरों के हाथों में डाल देंगे। इसलिए वे डाकू सारथी और घोरों के सहित जीव को मृत्यु से अत्यंत भयावने घोर अंधकार में संसार के कुएं में गिरा देंगे। अभिप्राय क्या है, देहेंद्रीय प्राणांतकरण का दुरुपयोग किया तो ये हमको भवसागर में पटक देंगे, भवसिंध में हम गोता लगाते रहेंगे, भवाटवी में ये भटकाने में हेतु बन जाएंगे।
इनका सदुपयोग किया तो भगवत तत्व के श्रवण मनन निधिध्यासन के बल पर ये तारक बन जाएंगे। हमारे ऊपर निर्भर है इनको हम तारक बनावें या मारक, क्या प्रयोगता तो हम ही हैं ना। पूर्व जन्मों में इनका दुरुपयोग किया, उसके संस्कार के कारण ये हमको भवाटवी में भटका देते हैं, भवसिंधु में पटक देते हैं। इनका सदुपयोग करने पर ये भवसिंधु से ताड़ने में भी हेतु हो जाते हैं, उन्हें श्रवण मनन निधिध्यासन भी उन्हीं के द्वारा होगा। इसलिए प्रयोगता लोग समझते हैं भगवान का भजन करेंगे तो उतना घाटे उतना समय बढ़ जाएगा, उल्टी बात हो गई ना। यथा प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वेदम ततम, भगवान से ही भोग की भी अभिव्यक्ति हुई है, नहीं भव की रचना भगवान ने किया। अगर मूल भगवान को पकड़ के भगवान की आराधना समझकर ही अपने जीवन का उपयोग करेंगे तो जीवन समुज्जवल होगा, दूसरों के लिए हम वरदान स्वरूप से दोगे, अपना जीवन कृतार्थ होगा। इसलिए तदर्थे खिल चेष्टितम, जो भी चेष्टा हो भगवद अर्थ हो, कल भी कहा परसों भी कहा, क्या कहा, सनातन धर्म के अनुसार जीवन शैली थी, कुछ भी होता था परमार्थ की सिद्धि में उसका विनियोग होता था। आस्तिक व्यक्ति स्नान करते हैं भगवान को स्नान कराने की पात्रता अर्जित करने के लिए, आस्तिक व्यक्तियों के यहाँ भोजन बनता है भगवान को भोग लगाने के लिए, आस्तिक व्यक्ति भोजन करते हैं भगवान का भोग लगा हुआ तो महीने वेदित भोजन करें, आस्तिक व्यक्ति विश्राम करते हैं भगवान को विश्राम करा के, आस्तिक व्यक्ति जगते हैं भगवान को योग निद्रा से जगाने के लिए, सकल चेष्टा यहाँ भगवदर्थ ही है। इसलिए तदर्थ किल चेष्टितम, स्वार्थ है ही नहीं, परमार्थ की सिद्धि के लिए स्वार्थ है, जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति के लिए जीवन प्राप्त हुआ है इसलिए। और यहाँ एक विचित्र बात है, भगवान ने यह थोड़े कहा कि कर्म छोड़ दो, यत करोसि यदस नासि यत जोहोसि ददासि यत यत तपस्या से कौनते यत तत्कुरुष मदर्पणम, करने कर्म का अनुष्ठान करें भगवदर्थ करें तो जीवन कृतार्थ होगा। भगवान के लिए सारी चेष्टा हो, स्वतंत्र कोई व्यवहार नहीं, परमार्थ की सिद्धि के लिए हमारे यहाँ स्वार्थ है। यह स्वार्थ वास्तव में स्वार्थ भी क्या है, स्वार्थ सांच जीव कहाँ ये हूँ, मनवन मन कर्म वचन रामपद ने हो। स्वार्थ माने स्व, यहाँ तो स्वार्थ माने स्वार्थ का अर्थ जब समझेंगे तो परमार्थ ही हो जाएगा। स्व अर्थ हर एक प्रतिबिंब का निज बिंब ही निज स्वरूप होता है, प्रतिबिंब का स्व कौन होगा, बिंब ही, तो हमारे स्वार्थ स्व कौन है, भगवान ही, यह स्व कौन है, भगवान ही, भगवद अर्थ ही। इसलिए बढ़िया प्रहलाद जी ने कहा, बहुत युक्ति पूर्वक प्रहलाद जी का वचन है, जो कोई व्यक्ति दर्पण में प्रतिफलित मुखचंद्र को सजाना चाहे उसकी बुद्धि की बलिहारी इसी में है कि वह अपने मुख को सजावे। मुख को सजाएगा तो दर्पण में उसका मुखचंद सजा सजाया ही प्रकट होगा, और दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसको सजाएंगे तो क्या होगा, मुख थोड़े सजेगा, लेकिन मुख को सजाएंगे तो दर्पण में जो प्रतिफलित प्रतिबिंब प्रतिबिंब होगा, प्रकट मुख होगा, वो तो सजा सजाया ही प्रकट होगा। दृष्टांत है, दृष्टांत क्या है, भगवान हैं बिंब, हम लोग हैं प्रतिबिंब, भगवान को जो कुछ निवेदित करेंगे उससे हम ही चमत्कृत होंगे। भगवान तो पूर्ण काम है, क्या भगवान को जो कुछ निवेदित करेंगे मानो
बिंब को सजाना है तो बिंब को सजाएंगे तो दर्पण में प्रतिबिंब सजा सजाया ही प्रकट होगा, इसलिए भगवान पर कोई उपकार नहीं करना हुआ। कृतज्ञता का ज्ञापन हुआ और अपने आप को ही उत्कृष्ट बनाने की प्रक्रिया है। एक दिन हमने बताया था, हम दिल्ली में पढ़ते थे, स्नान के बाद ही संध्या वंदन तर्पण के बाद मुख में जल भी डालते थे, 1000 गायत्री मंत्र नित्य जपते थे। एक दिन बड़े भाई ने पूछा, क्या सूर्य को जल देते हो या नहीं, सूर्य को जल देते हो या नहीं। बड़े भाई ने कभी डांटा नहीं था, छोटी आयु में डांटे होंगे, बड़ी आयु में कोई डांट पड़ी नहीं, जीवन ही ऐसा था डांट पड़ती नहीं थी। तो बड़े भाई डांट देते तो अच्छा था। तो मैंने क्या कह दिया, क्या मैं सूर्य जी को जल नहीं दूंगा तो प्यासे मर जाएंगे सूर्य। उन्होंने कहा, अच्छा दिल्ली का पानी तुम्हें लग गया है नास्तिक, पहली बार डांट पड़ी। कृतज्ञता ज्ञापन के लिए सूर्य भगवान को जल दिया कर, तू क्या देगा, तुम्हारे दिए हुए जल से क्या तृप्त हो जाएंगे, न दिए हुए जल के कारण मर जाएंगे प्यासे। सूर्य भगवान की कृपा से ही हमको तुमको जल प्राप्त है, तेज ही तो जल का कारण है, सविता गोभी रसम भूंगते, भगवान सूर्य ही तो वर्षा कराते हैं, इसलिए कृतज्ञता ज्ञापन के लिए भगवान सूर्य को जल दिया करो। या देवता पितर इत्यादि सबको तृप्त करना है सनातन धर्म में। जो मेरे पूर्वज जिस लोक में हो, जिस शरीर में हो, उनको मेरे द्वारा प्रदत्त जल पहुंच जाए, अन्न पहुंच जाए, उनका आहार बन करके पहुंच जाए, यह है अन्न, यह विशेष बात है। सनातन धर्मी तर्पण भावना की प्रगल्भता के द्वारा, सुलभ जल इत्यादि शास्त्र सम्मत सामग्री के द्वारा पूरे विश्व का नित्य पोषण करता है, यानी देवता श्राद्ध तर्पण संध्या सब आजकल भूल गए लोग, करते ही नहीं। तर्पण का अर्थ क्या है, तर्पण तो वसुधैव कुटुम्बकम की व्याख्या है, यानी वसुधैव कुटुम्बकम। एक जगह 6 लाख रुपये पारितोषित घोषित किया गया कि कोई बता दे कि वसुधैव कुटुम्बकम कहाँ का वचन है, सुना हुआ किसी ने विषय रख दिया। महाउपनिषद के 6ठे अध्याय का वचन है वसुधैव कुटुम्बकम, महाउपनिषद 6ठा, अभी कहीं 6 लाख रुपया पुरस्कार, कोई बता दे कि कहाँ का वचन है। वो बता रहे थे कौन, एक ही दो व्यक्ति तो आए, ये आते हैं, ये वो आते हैं। एक आता है कौन बनेगा करोड़पति, ये तो वही अमिताभ बच्चन वाला, उसी में बताते हैं कि अमिताभ बच्चन वाला। तो क्या अर्थ हुआ, वसुधैव कुटुम्बकम महोपनिषद का 6ठा अध्याय, गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक है, सर्वेषां मंगलम भूयात् सर्वे भवन सुखिनः, गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक है। वसुधैव कुटुम्बकम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। 5-7 दिन पहले हमने कहा था, समय भी हो गए, हमारा आपका जो शरीर है वसुधैव कुटुम्बकम की व्याख्या है या नहीं, कैसे है, जूलॉजी बायोलॉजी बॉटनी इन सब का अध्ययन करके माँ के पेट से जेर सहित उत्पन्न हुए हैं या नहीं, क्या हो गए, कौन से प्राणी, जरायुज, गीता का 3रा अध्याय, माँ के पेट से हम जो मनुष्य हैं जेर सहित उत्पन्न हुए हैं तो कौन से प्राणी हो गए, जरायुज। माँ के पेट में कुछ समय अंडा होकर रहे, आधुनिक विज्ञान के अनुसार तो अंडज हो गए। अंडा का मौलिक स्वरूप है माता पिता के रजवीर्य का संघात, स्वेदज हो गए। रजवीर्य की निष्पत्ति होती है आहार से, अन्न जल से, तो उद्भिज भी हो गए। का स्वप्नावस्था में क्या हो जाते हैं, मनुष्यज, और बुद्धि से उपहित चेतन होकर क्या हो जाते हैं, स्वयंभू।
निरुपाधिक धरातल पर हो गए स्वयं, बुद्धि से उपहित होकर हो गए स्वयंभू, और मन से तादात्म्यपन होकर हो गए मन सिद्ध, साथ ही साथ क्या हो गए, माँ के पेट से जेर सहित उत्पन्न हुए जरायुध, जेर का मौलिक स्वरूप अंडा तो अंडा जेर, और क्या हो गए, अंडे का मूल रूप है रजवीर का संघात तो स्वेदा जय, और रजवीर का मूल है अन्य जल तो उद्भिद होते हुए स्वेदज हैं, स्वेदज होते हुए अंडज हैं, अंडज होते हुए जरायुज हैं, अंडा धो अंडज होते हुए फिर कौन हो गए, मानस मानस भी हो गए, मनसिक भी हो गए, स्वयं भी हो गए, स्वयं भी हो गए, स्वयंभू भी हो गए, मनसिक भी हो गए, या अंडज भी हो गए, स्वेदज भी हो गए, उद्भिद भी हो गए, कौन नहीं हुए, बस देव कुटुम्बकम की व्याख्या। अपने शरीर का अध्ययन करने ठीक से तो वसुधैव कुटुम्बकम की भावना पुष्ट होगी या नहीं, या है। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम। आत्म अध्याय है ना, 5-7 मिनट कोई प्रश्न पूछना हो धर्म अध्यात्म राष्ट्र को लेकर पूछ सकते। प्रश्न है किसने, क्या कह रहे हैं, कल्कि अवतार के ऊपर कोई ग्रंथ है क्या, जैसे हर जगह सभी देवी देवताओं के ऊपर पुराण आदि है, वैसे ही कल्कि भगवान के ऊपर कोई